Hey guys, welcome back to my channel. I am Dipali and you are watching Dipali Flames. I hope you are all doing good. So guys, hair fall की वजह से हमारी hair growth जो है वो रुक जाती है. तो आज मैं आप सबके साथ में hair fall को रोकने की यानी कि बालों का झड़ना बंद करने की remedy share करूँगी. अगर आप मेरी बताई हुई remedy को मेरे बताए हुए method के हिसाब से apply करते हो, continue रखते हो उसे, तो आपको definitely solution ज़रूर मिलेगा. तो चलिए remedy को start करते हैं. But उससे पहले अगर आप सब मेरे channel पर नए हो तो please मेरे channel को subscribe करना, video अच्छा लगे तो like जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना. लेट गेट स्टार्टेड. रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट लिया है वो है रेड ओनियन का जूस. और गाइस, जब मैं आपसे ओनियन जूस के बारे में बात करूं तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि रेड ओनियन को ही हमें अपने बालों में अप्लाई करना है, चाहे वो हेयर की ग्रोथ से रिलेटेड हो या हेयर फॉल के से रिलेटेड हो, क्योंकि हेयर का जो रेड वाला ओनियन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए. तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच दूँगी ओनियन जूस. लेना है हमें कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपने जितना आपके बालों में अप्लाई होता है उस हिसाब से. फिर इस कोकोनट ऑयल में मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच जो मैंने ओनियन जूस लिया था उसे ऐड कर देंगे. इसके बाद इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है एलोवेरा. और ये जो एलोवेरा जेल है ये मैंने फ्रेश लीव कट की थी उससे मैंने ये एलोवेरा जेल निकाला है. और अब इसे भी मैं कोकोनट ऑयल और जो ओनियन का जूस है उनमें ऐड कर दूंगी. और जो हमारा ये एलोवेरा जेल है ये जितना ज़्यादा आप ऐड करोगे उतना ही अच्छा होगा. तो यहाँ पे मैं कम से कम 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड करूँ. अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देना है 3 चीज़ों को. रेमेडी को हमें अपने बालों की स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में नहीं लगाएंगे, याद रखना है इस बात को. यहाँ पे मैं कॉटन की हेल्प से अपने पूरे बालों के स्कैल्प में ही लगा दूंगी. अच्छे से लगाना है हमने डिप करके पूरे. और ये हमें रेमेडी हेयर वॉश करने के 2 घंटे पहले अपने बालों में अप्लाई करना है. हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं. 2 मिनट के लिए हमने मसाज करना है. मसाज करने के बाद जूड़ा बना करके बालों को बांध लेंगे, सिंपल हेयर वॉश कर लेंगे नॉर्मल शैम्पू से जिस तरीके से आप करते हो. सो गाइज, ये थी आज की हमारी रेमेडी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपनी स्किन का और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखेंगे. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी.